माननीय जिन्होंने हर मोड़ पे, हर घड़ी पे जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिला है और जिनकी इस इलाके के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो उन्होंने अपने जीवन में तपस्या करी है उससे हमेशा मुझे प्रेरणा मिली है और हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। हमारे बहुत ही आदरणीय, जिन पे हमें गर्व है, हमारे आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारी बहन, आज की मेजबान बूथ कमेटी की, जिन्होंने अपनी काबिलियत से हरियाणा विधानसभा में आपका, हमारा नाम बहुत ऊंचा लेके जाने का काम किया है। आज हरियाणा विधानसभा में जब वो बोलती हैं तो पूरे सदन में 90 के 90 विधायक जिनकी तरफ देखते हैं कि अगला क्या शब्द, अगला क्या वाक्य बोलने जा रही हैं। और जिनको मैं बधाई देता हूं क्योंकि आज के प्रोग्राम के लिए उन्होंने पूरी मेहनत करके आज के प्रोग्राम को, यहाँ पे बूथ कमेटी के प्रोग्राम का इतना सफल जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गीता जी को, अपनी बहन जी को भी बहुत बहुत उस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और वो जब बोल रही थी तो वो भी भावुक हो रही थी और मैं भी भावुक हो गया था। हमारे भाई जो पहुंचे तो हरियाणा विधानसभा में पहली बार, लेकिन पहली बार में जो कई बार क्रिकेट में जिसे डेब्यू बोलते हैं, जो पहला अपनी इनिंग है, पहली इनिंग में शतक लगा दी जिनने, हरियाणा विधानसभा में जिन्होंने हमारे इलाके का, हमें गर्व है हमारी, हमारे भाई पे, बहुत अच्छी तरीके से हमारे इलाके के हकों की रक्षा करते हैं। अभी पीछे माछोली में आपने देखा, वहाँ बहुत बड़ी जनसभा के माध्यम से और दिन रात लगे हुए हैं हमारे भाई, आपके संघर्षशील साथी कुलदीप वत्स जी, हमारे प्रभारी लोकसभा के चुनाव के, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में बहुत काम हुए, राव नरेंद्र जी, हम उनका स्वागत करते हैं। राव साहब का हमारे प्रभारी नियुक्त किए गए हैं तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, आप प्रभारी हैं राव साहब, आपके जो है, आपका ये जो आपको ये जिम्मेदारी दी है पार्टी की, इस जिम्मेदारी में आपको सफलता मिलेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप। हमारे अनिल यादव जी और धर्मेंद्र लोधी जी जो AICC की तरफ से हमारे क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, हमारे सभी जो आज सभी ने एक फैसला किया, सम्मानित मंच, क्योंकि समय का देखते हुए सभी साथी और सभी साथी जो मंचासीन हैं, क्योंकि एक एक के लिए मेरे दिल में जो सम्मान का भाव है आप सबका और आप सबकी मेहनत का, को मैं सलाम करता हूँ। और आप सभी सम्मानित मंच कह के, क्योंकि बहुत सारे साथी आप लोग यहाँ सारे बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज जैसे कि कई बातें हुई, मैं भी ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, 10 साल से आपने BJP को मौका दिया है, देश में भी और प्रदेश में भी। लोकसभा चुनाव की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन पहले प्रदेश की मैं बात करूँ। प्रदेश में 10 साल पहले, 9.5 साल पहले BJP की सरकार बनी, खट्टर साहब को मौका मिला, और 5 साल पहले खट्टर दुष्यंत सरकार भाजपा की सरकार बनी। इन 10 साल में मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल बहुत बड़ा लंबा समय होता है, हुड्डा सरकार का कार्यकाल भी 9.5 साल का रहा था, आपने 9.5 साल की ये सरकार भी देखी, इन 9.5 साल में मैं पूछना चाहता हूं आपसे
इन्होंने अपने इलाके में कुछ काम किया, और मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, इन लोगों ने, इस सरकार ने आपका मान सम्मान किया इन दस साल में लंबा समय होता है। दो काम होते हैं सरकार के, काम करना और जनता का मान सम्मान करना, जनता की सुनवाई करना। उन्हें मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मैं गीता जी से पूछना चाहता हूं, कितनी बार मुख्यमंत्री जी झज्जर विधानसभा में आए इन 9.5 साल में, किसी गांव में? एक बार बता रहा है कोई? कोई एक बार बता रहा है? कोई कह रहा है? तो कितना दर्द आपके इलाके के लिए और आपके लिए, कोई जो है, कितना दर्द आपके लिए, आपके इलाके के लिए कितना दर्द होगा इनके दिल में, आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं समझता हूं कि शायद हमारी सरकार रही होगी, शायद एक दिन भी ऐसा ना रहा हो। ये बात तो ठीक है कि शायद, मैं समझता हूं एक दिन भी ऐसा नहीं रहा होगा जब मैं इस इलाके में नहीं हूं, जब आपकी सरकार 10 साल रही है आपके बीच में। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं झज्जर की 36 बिरादरी से पूछना चाहता हूं, आपको अपने की पराये की जो है पहचान, अब इन 10 साल के कार्यकाल के बाद अच्छी तरीके से हो गई कि नहीं हो गई? अभी कोई कसर बची? देखो, ये सरकार जो बीजेपी की सरकार हरियाणा में, बीजेपी जजपा की सरकार, मैंने अभी अपने इलाके की बात करी, सबको पता है। आप किसी दूसरी पार्टी वाले से भी पता पूछोगे तो सबको पता है कि हरियाणा में किसने काम किए और अपने झज्जर में किसने सुधार किया, रोहतक में किसने सुधार किया, सबको पता है। ये कहने की आपको जरूरत कहीं नहीं, सबको हकीकत पता है, लेकिन ये और बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। ये हरियाणा की सरकार हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली साबित हुई है, केवल झज्जर ही नहीं पूरे प्रदेश को, और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में लाने वाली सरकार ये साबित हुई, देश में सबसे ज्यादा महंगाई लाने वाली सरकार साबित हुई है, देश में एक अहंकारी सरकार के रूप में भी साबित हुई है। जन सुनवाई नहीं, 9.5 साल तक मुख्यमंत्री जी कहीं गए नहीं, जैसे झज्जर की बात है, बादली में पूछ लो कितनी बार आए हैं, आप बेरी में पूछ लो कितनी बार आए हैं। तो ये अहंकारी सरकार साबित हुई है, 9.5 साल तक तो गए नहीं, अब आखिर साल में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और चुनावी साल है, जनसंवाद का नाम दे रहे हैं, लेकिन वहां भी जनसंवाद नहीं कर रहे, जन अपमान कर रहे हैं, कोई उनसे कुछ कह दे। हिसार में गए तो एक महिला ने कहा कि जी इतनी बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में होगी, यहाँ कोई फैक्ट्री लगा दो, तो कहा कि इसको चंद्रयान में बिठा के चांद भेज दो। सिरसा में गए तो एक लेडीज जिसका 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, ये हरियाणा की पहचान बदल दी, ये दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, अब नशे में नंबर एक हरियाणा बन गया। तो सिरसा गए तो एक लेडीज ने कहा 22 साल का मेरा बच्चा नशे से, उसकी डेथ हो गई, और जो नशा बिकवाना काम करते उन पर आप कार्रवाई कराओ, तो बोले इसको धक्के देके बाहर कर निकाल दो। करनाल भी कहा तो कहा, करनाल गए तो कहा ये जो सिक्योरिटी वाले ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये सत्ता में है 10 साल, हमारी भी सरकार है, हम भी सत्ता में रहे, किसी को धक्के मारने की बात तो दूर है, 10 साल लोगों के लिए धक्के खाए होंगे, दीपेंद्र ने किसी को धक्का उंगली भी लगाना काम नहीं किया।
ये आज अहंकार, ये आज अहंकार, अहंकार में काम किया नहीं, मगर अहंकार सातवें आसमान पे, ये भी एक अजीब बात है। तो अब 10 साल इनको देके देख लिया आपने। हरियाणा में, मैंने कहा पहले हरियाणा की बात करेंगे फिर लोकसभा की बात करेंगे, 10 साल इनको देके देख लिए, 10 साल में ये इन्होंने आपको नहीं पूछा तो भाई हरियाणा में बदलाव लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते, पहले आप एक बात। और हरियाणा में बदलाव तय है, पूरे हरियाणा कोने कोने में मैं जा रहा हूं। पिछली बार थोड़ी वोटों से कसर रह गई थी, पिछली बार अगर 3900 वोट हमारी ज्यादा आती पूरे हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस की 36 सीट आती और बीजेपी की 35 आती और दुष्यंत चौटाला को धोखा देने का मौका नहीं मिलता। लेकिन 75 पार का नारा था, लोगों ने उसकी तो हवा निकाल दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला की 10 सीट आ गई। उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात करके 5100 की पेंशन का ढोंग करके 5100 की पेंशन पर समझौता हो गया और समर्थन देके सरकार को दोबारा बनवा दिया। वो 51 की पेंशन तो आई नहीं आई 51 की पेंशन, धोखा, विश्वासघात। मगर आपको पता है बीजेपी कैसे समर्थन ले रही है, देश में कैसा प्रजातंत्र चल रहा है, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, मगर लोगों के साथ विश्वासघात हो गया। पिछली बार भी लोग बदलाव चाहते थे, थोड़ी सी कसर रह गई थी, इस बार लोगों को समझ में आ गया पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी कि सरकार के खिलाफ भी लोगों के मन में बदलाव का, जैसे आपने मन बनाया कि 10 साल इनको दिया बदलाव का। और जेजेपी तो पार्टी का कहीं अस्तित्व पूरे प्रदेश में, आप कहीं भी जाओगे एक सीट पे भी इनकी जमानत बजने का, तो बदलाव तो प्रदेश में होगा। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है हरियाणा के कोने कोने में, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। हरियाणा कोने कोने में पिछले एक साल में 35 पूर्व विधायक पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, आप अंदाजा लगा सकते हो। हरियाणा के कोई ऐसा कोना बाकी नहीं जहां से कोई ना कोई पूर्व विधायक पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हो। नांगल चौधरी से मूलाराम जी और राधेश्याम जी से लेकर कोसली में जगदीश यादव जी से लेकर और मैके का नाम और निर्मल सिंह जी अभी जो ज्वाइन हुए, चित्रा जी जो अपने ज्वाइन हुई अंबाला में, हरियाणा के हर कोने में जो हर वर्ग हर समाज से लोग जो ज्वाइन हुए, आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरफ संकेत। लेकिन जो लोगों ने मन बना लिया जनभावना हरियाणा की है, उस जनभावना को बचाने की लड़ाई अपने को रोहतक में लड़नी पड़ेगी, इस लोकसभा चुनाव में लड़नी पड़ेगी। ये चुनाव जनभावना बन गई आपकी तरफ, हरियाणा देख रहा है। कल भी दादरी के अंदर आपने देखा होगा कौन कौन दादरी जा रहा था, आप में से भी कई गए हुए थे दादरी, कल आपने या उसमें फोटो देख ली होगी। दादरी के अंदर वो जो इलाके जहां पर कभी आपको जाके लगता था जहां उलाना मिलता था आपको लगता था, आज हर क्षेत्र हरियाणा का आपकी तरफ देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मगर उस जन भावना को बचाए रख के और हरियाणा में बदलाव लाने की अगर जिम्मेदारी है तो आप पे और हम पे जिम्मेदारी है। अब मैं लोकसभा इलेक्शन की बात पे आता हूं। ये लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि आप अपना घर परिवार हो, मेरे लिए तो आप घर परिवार हो, जिनके साथ सारा सारा नौजवान जीवन जिन लोगों के साथ बीत जाए वही कहीं पर घर परिवार है। मैं समझता हूं कि मैंने तो अपने घर परिवार का खुद कभी शायद उतना समय नहीं दिया जितना किसी को देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई और ऐसा जीवन किसी को जिए, मैं हमेशा उलाने में रहा, लेकिन मैंने जितना समय, तो मेरे लिए तो सब कुछ आप हो, घर परिवार, कोई भी फैसला किया जाता तो घर परिवार से पूछे किया जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में मैं कुछ आपको कहूं, मेरा काम आप जानते हो, मेरी कार्यशैली आप जानते हो, मेरा स्वभाव आप जानते हो, अगर कोई कमी है तो मेरे को आप बता दो और नहीं तो आप बताओ कि इस लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद हो तो जो बीजेपी चुनौती दे रही है इस चुनौती को मैं स्वीकार करूं और इस लोकसभा चुनाव का।
तो भाई लोकसभा चुनाव की चुनौती को आपने जो आशीर्वाद दिया इसको स्वीकार भी करेंगे, यहां से जीतेंगे भी, और ये जीत आपकी होगी, ये जीत हरियाणा को आगे लेके जाने की होगी, ये जीत हमारे इलाके को दोबारा से विकास में बुलंदी पे लेके जाने की होगी, ये जीत इंसानियत की होगी, ये जीत शराफत की होगी, ये जीत विकास की होगी, और ये जीत आने वाले भविष्य को संवारने की होगी। जो आपने और हमने सपना देखा था उस सपने को साकार करने की जीत होगी, और उसके लिए आप सब की जिम्मेदारी, क्योंकि आप बूथ कमेटी के एजेंट हैं, यह आज जनसभा नहीं, जब जनसभा होगी तो अलग बात, लेकिन आज ये बूथ कमेटी के एजेंट्स की मीटिंग है, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, जिसके बारे में मुझसे पहले सबने आपको बताया, मुझसे पहले सबने, डॉक्टर साहब ने, भाई कुलदीप ने, गीता जी ने, सबको आपको बताया, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, और मुझे पता आप मेहनत कर रहे हो। आज की मीटिंग और आज का खाना का एक ही मकसद है कि ये बताने के लिए कि हमें पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, रंग लेके आएगी, जितना आप आज तब कर रहे हो, मौका मिलने पे, आपकी सरकार बनने पे कोई कमी कसर आपके लिए बाकी नहीं छोड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूं। तो ये आज का, तो भाई ये ठीक है ना, काम बांट के चलना पड़ेगा, किसी जगह मैं पहुंचूंगा, किसी जगह आपको पहुंचना है, किसी के पास मैं पहुंचूंगा, किसी के पास आपको पहुंचना है, और अभी जब प्रोग्राम शुरू होंगे अनुशासन से प्रोग्राम करेंगे, किसी गांव में प्रोग्राम हो तो चाय के लिए और खाने के लिए कि भाई यहां जाओ वहां जाओ, ऐसी जो है, क्योंकि आप समझ सकते हो लड़ाई बड़ी लड़ रहे हैं और पूरी देश की के सत्ता के निशाने पे हैं, तो ऐसी लड़ाई में जितना आप समय बचाओगे उतना वो समय काम आएगा। तो अनुशासन से किसी गांव में, क्योंकि पिछली बार अपने गांव में जाते थे कई जगह जाना पड़ता था हम उसमें, तो भाई ये भी एक अनुशासन से कहीं चाय का कहीं का जो भी होगा, जहां पे आप बुलाओगे वो इलेक्शन के बाद, ये जो 2 महीने इलेक्शन चलेगा उसके बाद आ जाएंगे, अभी तो इस लड़ाई में आपको जो अपना आदमी है उस बात को इसको आपको ठीक है कि ये प्रस्ताव पारित है कि ये भी बताओ प्रस्ताव पारित। और अगर कहीं मैं नहीं भी आ पाया, वैसे जहां भी हो सकता है मैं पहुंचूंगा। एक और जो मैंने एक बात जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि जो मैंने शुरू में पहले चुनाव में बात की थी कि भाई मैं क्या बोलूंगा, जो बोले काम बोले, तो कहीं मैं नहीं भी पहुंच पाया तो भाई वहां तक आपको पहुंचानी है हमारी बात, हमारा काम, और कैसे हमारा जो है हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं, वो आपको उस बात को पहुंचाना है। और भाई अभी माचरोली में प्रोग्राम हुआ, उसके बाद अब 25 तारीख को 24 को गुरु रविदास जी जयंती है, 24 को हर गांव में बनाते हैं, 25 को प्रदेश स्तर की गुरु रविदास जयंती हम झज्जर में मनाने का काम करेंगे, यहां पे गुरु रविदास जयंती के, तो क्या उस दिन बड़ा ही रैली होगी, तो उसका भी आपको निमंत्रण देते हैं, सारे हलकों से एक बड़ा कार्यक्रम। और आज भी हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे राजेश पायलट जी, उनके जो सुपुत्र है, मेरे अच्छे दोस्त मित्र है, उनकी आज जयंती है, तो आज हम राजेश पायलट जी को भी आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आखिर में ये कि भाई ये चुनाव आपका और हमारी अग्नि परीक्षा, इस चुनाव में हर तरह के साजिश षड्यंत्र रचे जाएंगे, मगर ये मौका है, जैसा कहा गया, दोबारा से विकास की पटरी पे अपना इलाका आए, विकास का पहिया फिर घूमे, हरियाणा प्रदेश में विकास का पहिया घूमे,
आपने देखा होगा कल संसद में मैंने एक सवाल पूछा कि 10 साल हो गए मेट्रो के एक खंभे का बजट नहीं है हरियाणा में, 10 साल हो गए एम्स के हमारे 10 अस्पताल जो मंजूर पड़े उनका एक रुपए का बजट नहीं आया, 10 साल हो गए रेल के एक इंच का बजट नहीं आया, 10 साल हो गए एक कोई बड़ी परियोजना ना हमारे इलाके में ना प्रदेश में। तो आपकी सरकार बनेगी, विकास का पहिया फिर घूमेगा और अपने संकल्प आपके बीच में जो रखे गए हैं उन संकल्पों को लेकर आप लोगों के बीच में जाए। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, हर गरीब को 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की सहायता से मकान बनवाने का काम होगा, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम होगी और भाई आपका मान सम्मान होगा और हरियाणा में अहंकार का समापन होगा, अहंकार का अंत होगा। तो ये हमारा सारी बातें हैं, तो इन बातों को लेके आपको जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक